Hello everyone, this is our next video on spelling mistakes. So let's start the lecture. जो पहला हम spelling mistake पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वो है diaphragm. देखो diaphragm क्या होता है, पेट में जो पीछे आपको दिख रहा है मास सा दिख रहा है, डार्क एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं diaphragm. स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम नहीं है ये, diaphragm है, DIAPHRAGM. काफी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कई बार पेपर में आए हुए हैं. ध्यान, डायफ्रैम, आर ए जी एम, इसको रैम बोलते हैं, डायफ्रैम, डी आई ए पी एच, डायफ आर ए जी एम, रैम, डायफ्रैम, इस डार्क एरिया को बोलते हैं डायफ्रैम. नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिसकर्टियस. तो ये वर्ड किससे बने, वर्ड बने कर्टियस से, ये वर्ड बने कर्टियस से, सी ओ यू आर टी ई ओ यू एस. अब कर्टियस वर्ड का क्या मतलब होता है देखते हैं. देखो इंग्लिश में कर्टियस वर्ड का मतलब होता है जिसमें बहुत संस्कार है, मैनर्स है, जो बहुत बढ़िया है, उसको बोलते हैं कर्टियस. अब कर्टियस वर्ड को आप कैसे रखोगे, आप इसको पढ़ोगे कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट. हम कोर्ट में जाते हैं तो मैं हम बड़े अदब से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, तो जो बहुत मैनर से बड़ा होता है वो होता है कर्टियस. वो क्या होता है कर्टियस, सी ओ यू आर टी ई ओ यू एस. और जो जिसमें कोई मैनर्स नहीं है वो क्या बन जाएगा, डिस लगना है आपने, बस डिस लग जाएगा. डिसकर्टियस क्या होता है, जिसमें मैनर्स नहीं है, संस्कार नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, उसको बोलते हैं डिसकर्टियस. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो देखते हैं क्या है हमारा वर्ड, डीजल. देखो डीजल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है. हमने एक रूल पढ़ा था पहले के वीडियोज में कि सी के बाद लगता होता है ई आई, और अगर सी नहीं है तो आएगा आई ई. तो ये रूल यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर डी है तो डी के बाद आई ई लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है. डी के बाद क्या लिखा जाएगा, आई ई, और अगर डी नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, ई आई का लगाना गलत है. यहाँ पे क्या है, जो ई आई है ये लगाना क्या गलत है. तो पहले वाला स्पेलिंग डीजल का सही है, दूसरा स्पेलिंग क्या है गलत है, सेकंड स्पेलिंग क्या है रॉन्ग है. ये तो डी के बाद आई ई लिखा जाता है. दोबारा देखते हैं, डायफ्रेम, डिसकर्टियस, कर्टियस, डीजल. आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या स्पेलिंग्स हैं. ओके अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो हैमर की स्पेलिंग देखेंगे हम. हैमर का मतलब हमें पता है हथौड़ा होता है, डबल एम आएगा. हैंड राइटिंग बिल्कुल सिंपल स्पेलिंग है, टी एक बार लिखा जाता है. हैंगर, हैंगर काफी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, एच ए एन जी ए आर का मतलब होता है जहां पर हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है, जहां पर हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है उसको बोलते हैं हैंगर है ये. हारमोनियम, तो ये वर्ड बना है हारमोनी से, हारमोनी का स्पेलिंग क्या होते हैं, एच ए आर एम ओ एन वाई, हारमोनी लास्ट में क्या है वाई है. और ये वाई क्या हो जाता है, आई में कन्वर्ट हो जाता है, जब भी हम इसमें कुछ सफिक्स छोड़ेंगे ना तो वाई आई में बन जाएगा, तो बन जाएगा हार एम ओ एन, वाई का बन जाएगा आई, यू एम लग जाएगा, हारमोनियम. हेवनली का मतलब होता है स्वर्गीय, तो ये वर्ड हेवन से जुड़ा हुआ है तो हेवनली एलवे लग जाएगा. हेमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, हेमो का मतलब होता है खून, जैसे हम कई बार कहते हैं ना उसका हेमोग्लोबिन कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, हेमो लिख के ग्लोबिन, दो का आपने ब्रेक करना है तो ग्लोबिन बन जाएगा हेमोग्लोबिन. नेक्स्ट है हेमरेज, के अंदर दो बार आ आएगा, और हेमो किसका रूट है, फिर से खून का रूट है, तो जो खून का क्लॉट बन जाता है उसको बोलते हैं हेमरेज हो गया, मीन्स एक तरह से एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई. हैंडलूम का मतलब होता है हाथ से चलने वाला जो कपड़े का कारखाना वगैरह, उसको बोलते हैं हैंडलूम है ये, तो हैंडलूम में एल दो बार आएगा. हारपून, हारपून देख लेंगे क्या चीज़ है. हैफर क्या होता है, बछड़ा होता है, बच्चिया को बोलते हैं हैफर, तो ये एच के बाद ई आई लिखा जाएगा, आगे एफ ई आर, हैफर. और हेट्रोक्स क्या होता है, पुराने विचारों वाला. हिपोपोटामस हम देख लेंगे बाद में. हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस क्या होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार का मिक्सचर है. ओके नेक्स्ट हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, हेट्रोजिनस हम पढ़ रहे हैं. हेट्रोजिनस के अंदर क्या होगा, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, हेट्रो शब्द का क्या मतलब होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का, अलग अलग प्रकार का, हेट्रो. तो हेट्रो के अंदर हमने क्या जोड़ना है, एच ई टी ई आर ओ, हेट्रो बन गया होता है अलग अलग, जी ई एन ई ओ यू एस, जेनस, अलग अलग प्रकार की जातियों वाला हेट्रो. और हार्पून क्या होता है, एक तरह की ना बर्छी होती है, बर्छी का मतलब एक ऐसा वेपन होता है जिसके आगे बहुत शार्प, मतलब कि चाकू वगैरह लगा हुआ है, भाला टाइप को बोलते हैं हार्पून, कुछ भाला के जैसा होता है, तो हार्पून में दो बार ओ आएगा, हार्पून. तो ये हमने वर्ड्स पढ़े हैं, अभी इन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे फिर हम आगे चलेंगे. ओके पहला हमने वर्ड पढ़ लिया डायफ्रेम, डी आई ए पी एच आर ए जी एम. सेकेंड वर्ड हमने डिसकर्टियस. थर्ड वर्ड हमने पढ़ी कोट्स, हमने याद कर लिया, डीजल में डी आई ई आएगा.
आगे हमने वर्ड पढ़ ली, हैमर में दो बार एम आएगा, हैंड राइटिंग में टी एक बार आएगा, हैंगर हारमोनियम, हेवन ली हेवन लिख के अलवाई, हैमो रूट है खून का, हेमरेज में दो बार आ रहेगा, हैंडलूम में डबल ओ आएगा, हारपून में डबल ओ आएगा, हारपून के बच्चे होते हैं हैफर बछड़ा होता है, और हेट्रोक्स पुराने नए विचारों वाला, हेट्रोजीनियस अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर को बोलते हैं, हेरिडिटरी क्या होता है जो पैतृक है जो हमें पेरेंट्स से मिला है उसको बोलते हैं हेरिडिटरी है ये। तो इस वीडियो में कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं, तो आगे हम और वर्ड्स करेंगे। थैंक यू।